हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन सीखो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD02/2020 बैच का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर चले आएंगे यहाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल आईडी इस बॉक्स में आपको फिल कर लेना है, और फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको इस बॉक्स में आपको डाल लेना है। उसके बाद नीचे में जो आपको ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, इसको आपको इस बॉक्स में फिल करना है और सिंपली गेट ये डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए, तो चलिए हम इसे फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, डिटेल्स को भर लेने के बाद आपको सिंपली गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर चला आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आप एडमिट कार्ड के लिए सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉरी यू आर नॉट मीटिंग शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर एडमिट कार्ड। यहाँ पर बता जा रहा है कि मैं एडमिट कार्ड के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप एडमिट कार्ड के लिए सेलेक्ट हुए होंगे तो आपको यहाँ पर एक डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फिर से ये प्लीज़ क्लिक हियर इस वाले बटन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको एक PDF को डाउनलोड कर लेना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद इस PDF को डाउनलोड करना है। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, PDF डाउनलोड होने के बाद ये ओपन हो जाएगा अपने आप यहाँ। तो दोस्तों, आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स खुलकर चला आएगा, ये PDF खुलकर चला आएगा। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ लेकर जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, आपको इसे ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। सारे आपको डिटेल्स दिया गया है, आपको इसे पढ़ लेना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेकर जाना है आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।